ये है जी देसी स्टाइल में नाश्ता। ये है साग, सरसों का साग, और साथ में है घी वाली रोटी, देसी घी के साथ रोटी, और साथ बना है साग। ये है रोटी घी वाली, साथ में आएगा इसका टेस्ट, ये साथ होता, ये है शक्कर, थोड़ी सी शक्कर घी वाली रोटी के साथ, और साथ में साग, देसी नाश्ता सुबह का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट न्यू ब्रांड ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल चाल है गाइस, सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़माने में रखे, अल्लाह ताला मुझे भी अपने ज़माने में रखे। आपकी ढेर सारी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों की मोहब्बतों का ढेर सारा शुक्रिया। ये है हमारा ट्रांसफार्मर जो माशाल्लाह से आए दिन ख़राब रहता है, रात का ख़राब हो गया हुआ है। अभी चलते हैं बावड़ा के ऑफिस, जाके लगाते हैं इसकी शिकायत। बल्कि कल की कंप्लेन की हुई है, लेकिन कोई सरोकार नहीं, कोई इसका हामी नासर नहीं है। देखें मेरे ख्याल से तो इसका काम हुआ हुआ है डी का, लेकिन वो कल आए थे, कह रहे थे कि ये ट्रांसफार्मर का मसला है, ट्रांसफार्मर का मसला बना हुआ है। अभी देखते हैं जाके इसकी, देखते हैं कंप्लेन। गर्मियों में तो बिल दे दे के बुरा हाल हो गया वाम का भी, सबका भी। ये देखें ऑफिस अभी बंद पड़ा है, लाइट कोई नहीं, यूपीएस था वो भी ख़त्म, 2 दिन हो गए हैं यूपीएस। जाहिर सी बात है यूपीएस कितनी की देर कर लेगा, 2 दिन हो गए ट्रांसफार्मर का कोई नामो निशान नहीं। अभी एक्शन के पास गए हैं, वो कह रहे हैं कि नारोवाल वो फॉरवर्ड कर दिया मैसेज। अभी नारोवाल हमारे इधर शक्रगढ़ से तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ट्रांसफार्मर आएगा, फिर ट्रांसफार्मर लगेगा, फिर लाइट आएगी, फिर हमारा काम ये देखिए बंद है, फिर स्टार्ट होगा। तो देखते हैं फिर क्या करना है। आप लोगों के साथ एक मज़े की बात शेयर करूं, मैं अभी गया था बावड़ा के ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर का मसला चल रहा है, रात से तकरीबन 2 दिन हो गए हैं ट्रांसफार्मर भाई सब ख़राब है। तो अभी देखे हैं दरख्वास्त, एक्सचेंज के पास गए थे, वो कहता है कि शायद लग जाए शाम तक, 4 बजे तक। तो देखते हैं, वेट तो करना पड़ेगा, वार्डा वालों के हत्थे बंदा चढ़ जाए तो फिर ये सारा कुछ देखना पड़ता है। बाकी हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम मतलब के पिट पिट के मर गई के बिल में थोड़ा सा रिलीफ दें भाई साहब, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिल आए हैं, बहुत ज़्यादा बिल। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम की सुन ली है और रिलीफ में माशाल्लाह बिल कम आए हैं, अभी बिल बहुत कम कर दिया उन्होंने, जो पर्चा भेज दें ना उनको बिल्कुल कर दिया। मैं भी आपको बताता हूँ, इसका व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, ये अवाम के साथ रिलीफ दिया है बहुत सारा गवर्नमेंट ने। गल कर तो की गल है, तबीयत खराब है बिल जो देखने ना, बिल मैं मंगवान लगा, जो बिल देखने तेरी तबीयत सही हो जानी है देख के। भाई साहब बिल राज जवेद साहब को दिखाते हैं, भाई जवेद को, तो इंशाल्लाह तबीयत इनकी सही हो जाएगी बिल देख के। बिल आधे आधे से कम हो गए हैं यार, पहले जितने बिल थे ना उससे आधे से कम हो गए। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ प्रूफ यार। वो किस तरह ऐसे यार, बस रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, अभी आते हैं बिल में इंशाल्लाह दिखाता हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ये हमारे जवेद भाई हैं, जवेद भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे बिल चेक करें, बिल में कितना रिलीफ है। तो मैंने कहा इस दफ़ा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत रिलीफ दिया है, बिल भाई जान बहुत रिलीफ दिया है, बिल आधे हो गए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, नून लीग नू छोड़ो तुसी, गवर्नमेंट पाकिस्तान जी मौजूदा ना उन्हें बिल जड़ा ना, अगे पूरा बिल आता हूँ अद्धे समझ लो, अगे कितना बिल आता हूँ समझ लो हाफ, हूँ हाफ तो भी हाफ बिल हो गया, इन्ना रिलीफ दिता है तो फिर भी वाम खुश। ये देखें जी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल आधा हो गया, ये देखे जी भाई पहले बिल कितना बड़ा था अभी आधा हो गया ना, तो रिलीफ मिला कि नहीं मिला। क्या
ये देखें बिल, बिल का साइज देखें। पहले भाई साहब बिल था बहुत बड़ा पर्चा होता था, अभी ये आधा कर दिया। ये है रिलीफ अवाम को, इतना रिलीफ कम है, पहले इतना बड़ा बिल था इतना, अब ये बिल आ गया तो रिलीफ तो मिलेगा ही ना फिर। पहले बिल था इतना, अभी चार बिल एक बिल जितने हैं, तो ये है रिलीफ जी अवाम को। जी अवाम को रिलीफ मिल गया बिलों में, आपने देख लिया बिल पहले काफ़ी साइज में बड़े थे, अभी छोटे हो गए। ये रिलीफ था, बस इतना रिलीफ मिलता पाकिस्तान में भाई साहब। अभी शाम खाएंगे इस मूर्त के साथ। हाँ जी आ गया, आ गए हो? काफ़ी दिनों से कह रहे थे मुल्ला साहब के फिश खानियाँ फिश खानियाँ फिश खानियाँ, लेकिन अभी तो कर रहे बारिश का वेट, बारिश मुल्ला नहीं हुई, बारिश नहीं हुई इधर की कर रहे। चलें जी चलते हैं। ये है हमारा हाजी मौली मुश्ताक फिश वाला, आज हम खाएंगे जी इधर से फिश, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो फिश खाएँगे इंशाल्लाह। ये है जी मेरे मुल्ला भाई, मुल्ला भाई साफ नहीं आ रही तस्वीर नहीं है। मुल्ला भुख लगी है, मुल्ला कितनी भुख लगी है, मछली अभी आने लगी है। ये मुल्ला ये क्या है, चटनी के साथ खा रहे मछली का मसाला है, मछली का मसाला, मछली का मसाला ये अच्छी रोटी नहीं खाती, शुक्र गोभी वाले पराठे खा दे दो, की खिलाया तुझे गोभी वाले पराठे, दो गोभी वाले पराठे खाए थे सुबह, दो गोभी वाले पराठे खाए थे, अभी फिश गोभी वाले पराठे खा लेना ना, पचा लेना ना, मैं क्या मुल्ला बिल्ला च रिलीफ ते आना कोई नहीं, मछली दे खाओ। खाते हैं जी मजे से फिश, आप भी आ जाएं हमारे साथ और एंजॉय करें, सब गाइस आ जाएं, सब सब मेरे व्यूवर्स आएंगे मजे के साथ खाते हैं और फिश। है जी हमारी फिश माशाल्लाह से कुछ इस तरह लग रही है, जूसी स्पाइसी और क्रिस्पी माशाल्लाह, मुल्ला खा के रिव्यू देंगे। मुल्ला भाई खाएं और रिव्यू दें कैसी है? देखने जी अच्छी लग रही भैया, तो हूँ तो वैसे पास ही पी है ना, चेक करके बताओ कैसी है। मौली साहब की मच्छी वैसे बड़ी प्यारी है ना, माशाल्लाह टेस्टी है ना, बहुत ज़्यादा देखने में भाई साहब लग रही है टेस्टी माशाल्लाह। ये साथ में कुछ देते हैं, ये वाला साथ में है ना, ये लिया जी एक बाइट, और जबरदस्त है की फिश बहुत अच्छी होती है, जब भी हमारा दिल करता है मैं और ये मेरे वन एंड ओनली मुल्ला साहब इधर आके जरूर खाते हैं, बहुत टेस्टी और मज़ेदार। अभी खाना खाते हैं देखते हैं। ये है सूफी मार्ट, इधर से थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी वो लेते हैं, चलते हैं इसके अंदर। ये कुछ चीज़ें डिस्काउंट में हैं, शानदार डिस्काउंट है जी, ये आप परचेज कर सकते हैं। मुल्ला को चीज़ पसंद है तो ले लो। किधर किसका फोन है? अल्लाह ही जाने।
210 रुपए का। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा यार ये। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मुल्ला के साथ, मैंने कहा थोड़ी सी शॉपिंग कर ले। तिब्बत क्यों नहीं मिली? ये लेना है जी, एक लिप्टन, ये वाला थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली हैं। अभी हम चलते हैं मुल्ला साहब की दुकान पे, वहाँ पे जाके पियेंगे चाय, पिलाएंगे चाय। मुल्ला की दुकान पे चाय पीने आ गए हम, अभी पीते हैं चाय। ऑर्डर दे दिया मुल्ला ने आज, जैसा कि आपको पता लाइट नहीं है तो इस वजह से गया था। फिर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अभी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं अपने ऑफिस का भी पता तारी करते हैं। लो जी चाय। अरे तो गाइस हमारा ट्रांसफार्मर अभी ठीक नहीं हुआ, लाइट नहीं आई, पूरा दिन ऐसे कभी कहीं कभी कहीं दिन भी ज़ाया हुआ और लाइट अभी तक नहीं हुई। ट्रांसफार्मर अभी तक ऐसे ही है, वो यहाँ से नजर नहीं आएगा वो ट्रांसफार्मर, अभी वैसे का वैसे ही अभी नहीं लगा ट्रांसफार्मर। आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुश रखें, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह बेहतर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, लव यू।